क्या काला जादू एक हकीकत है? हां और शायद नहीं। सद्गुरु हमें उस काले जादू के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे लोग हम पर कर सकते हैं, और साथ ही उसके बारे में भी जो हम अपने आप पर करते हैं। वह ऐसे असर को दूर करने का एक सरल तरीका भी बता रहे हैं। प्रश्न, सद्गुरु, क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी पर काला जादू करना? सद्गुरु कहते हैं, आपको यह समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह न तो देवी होती है न शैतानी। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। यह बिजली की तरह होती है। क्या बिजली देवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। अगर वह एक इलेक्ट्रिक चेयर बन जाती है तो वह शैतानी होती है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पल उसे कौन संचालित कर रहा है। असल में 5000 साल पहले अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था। आपका यह कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज देवी है। अगर वही देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण हंसे, क्योंकि इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस साधारण, बुनियादी और बचकाने सवाल पर अटका था। कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ है कि वह बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है। बस वे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो क्या वह अच्छी या बुरी होती है? वह आपका जीवन बना सकती है या किसी भी पल आपका जीवन समाप्त भी कर सकती है ना? तो क्या लोग काला जादू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। एक वेद, अथर्ववेद, सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जा को के इस्तेमाल को ही समर्पित है। मगर मैंने यह देखा है कि अक्सर ये चीजें मनोवैज्ञानिक या जहनी होती है। ये थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती है, मगर बाकी ये होता है कि आपका अपना दिमाग आपको पागल बना रहा होता है। अगर मुझे आपको पागल करना है तो मुझे आप पर कोई असली काला जादू करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह जब आप अपने घर से निकले और मान लीजिए वहां एक खोपड़ी और थोड़ा खून पड़ा हो, तो उसे देखने के बाद ही आप बीमार हो जाएंगे, आपका कारोबार ठप होने लगेगा, सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। कोई काला जादू नहीं किया गया, बस कुछ संकेतात्मक चीजों की जरूरत है जिनसे आपको लगेगा कि यह किसी किस्म का काला जादू है और यह आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ज्यादातर बार यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। चाहे आप पर काला जादू ही किया गया हो, मगर केवल 10% असली चीज होगी, बाकी आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए यह प्रतीकों के साथ आता है। ऐसा काला जादू करने वाले यह जानते हैं कि आप खुद पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से असर डाल सकते हैं। एक बार ऐसे प्रतीक बना लिए जाने पर आप खुद को ही बर्बाद कर डालते हैं। मगर हां,
ऐसा विज्ञान जरूर है जहां कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बचाव क्या है? एक बात यह कि अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं, तो आपको इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इन चीजों के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं है। एक और तरीका यह है कि आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। मगर आपको ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान जीवन में बनाए रखें और आगे बढ़ते रहे। अगर आप साधना के मार्ग पर है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।